हेलो फ्रेंड्स, आज बाहर से लौटते वक्त ये सफ़ेद कलर का फूल एक जगह काफ़ी सारे दिख गए, तो उनको मैं तोड़ के ले आया, नोइंग कि इससे अच्छे पकोड़े बनते हैं। सो, जिसको शायद बक फूल या अगस्त्या बोलते हैं। नाउ यू हैंडेड ओवर टू अवर शेफ, उनसे आगे का प्रोसेस जानिए। थैंक यू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये एक अनोखी फ्लावर है जिसे हम बंगाली में बॉकफुल कहते हैं और दूसरे लैंग्वेज में ये अगथी, अगस्त्या ऐसा भी कहते हैं, और इसका एक बहुत अच्छा पकोड़े बनते हैं। तो जिसके लिए मैंने ये बेसन घोल बना के रखा है। ये इसमें बेसन है, नमक है, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा रेड चिली, ये कंसिस्टेंसी में रखा है, और इसे मैं सिंपली इसके अंदर ऐसा डुबोकर ठीक से, और ये तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया है ऑलरेडी। तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और खाने में भी बहुत मजेदार है। आप मीडियम आंच पे कर दीजिए, कुरकुरे होते हैं। आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं। ऐसे भी खाने में मजा आता है, और आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। धीरे धीरे मैं सारे पॉप फूल को पलट दे रही हूँ। जिस तरह से होता है, अब ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसे निकालने का वक्त आ गया है। कुरकुरे सा पकौड़े बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में, और हेल्दी भी है। एज ऐसे झटपट हो भी जाता है। सारे निकाल दिए हैं। आप घर पे बनाइए, हमें जरूर कमेंट करके बताइए कैसे लगा आपको ये एक अनोखी सी डिश, और फीडबैक दीजिए। थैंक यू।